तो भाई स्वागत है आपका अपने स्पैच चैनल फिर से एक बार, जिसका नाम है वीजू इंस्टा ट्रिक्स। तो भाई यहाँ पे फाइनली कुछ बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है एंड आप सबके साथ शेयर करूँगा। एंड आप सब कुछ पता है भाई, 10K तुम्हारे भाई के यहाँ पे सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाले थे, बट ऐसी न्यूज़ सामने आई कि भाई ये 10K देखने का मन नहीं कर रहा है। तो भाई चलो फटाफट से पूरी न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। एंड क्यों बैन हो रहा है, क्या इसके रिलेटेड, क्या ये बैन रुक जाएगा, क्या ये सही में जो है बैन हो जाएंगे, पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एंड पर्सनली जो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, पूरा एग्जाम्पल के साथ शो करूंगा। अगर आप पहले नीचे गाली देने लग जाएंगे कि भाई तू कहाँ ये है वो है वो है, तो मैं पूरा प्रूफ के साथ बातें करूंगा, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं भाई न्यूज़ की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो भाई नीचे कमेंट कर दो कि भाई ये न्यूज़ सुन के कि भाई यहाँ पे ये सब चीज़ें बैन हो रही है, तो ऐसा आपको क्या इसके प्रति ये अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, नीचे एक बार कमेंट जरूर करोगे। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, भाई ये होना ही चाहिए था। अगर आपको बुरा लगा कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है, तो भाई नीचे कमेंट कर दो। अभी सबसे पहले बात करते हैं भाई हुआ क्या है। सबसे पहले उस इशू पर थोड़ी परछाई डाल लेते हैं। यहाँ पर देखो भाई, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम कुड बी बैंड इन इंडिया फ्रॉम टुमारो। पूरा इंग्लिश में आर्टिकल मिल जाएगा, मैं थोड़ा आपको सरल भाषा में समझा दूंगा सब कुछ। देखो सोशल मीडिया जायंट्स लाइक बहुत सारे सोशल मीडिया, सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखना, सिर्फ इनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, सिर्फ इनकी बात नहीं हो रही है, सबके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया में, अमेजॉन प्राइम से लेके नेटफ्लिक्स से लेके OTT प्लेटफॉर्म से लेके जितने भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया एज अ यूज़ करते हैं, सबके ऊपर ये रूल्स लागू किए जा रहे हैं। बैन होंगे तो सबके सब बैन हो जाएंगे। एंड क्या आपको ये पॉसिबल लगता है कि भाई सबके सब बैन हो जाएंगे? क्या अगर मान लो सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी से चला गया तो क्या हम जी पाएंगे आज की डेट में? अगर हम बात करें तो आपको क्या इसके, भाई देखो कितनों की तो रोजी रोटी चल रही है इन चीज़ों के ऊपर। तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि अभी बैन होगा। देखो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, टेम्परेली ब्लॉक हो जाएगा। जैसे एक बार याद होगा आपको, टिकटॉक को 2018 में बैन कर दिया गया था थोड़े दिन के लिए, एक आध महीने के लिए, फिर वापस भी लेकर आ गए थे। मे बी पॉसिबिलिटी कि इनके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये तो मेरा तर्क था, इसलिए मैंने अपनी तरफ से जो मेरे को लगा मैंने वो शेयर कर दिया यहाँ पे YouTube पे आपके साथ, ठीक है। अब आपको ये मेरी बात सहमत लगी हो तो भाई आपकी मर्जी, नहीं लगी हो तो भी आपकी मर्जी है। अच्छा देखो, सोशल मीडिया जायंट्स जो भी मैंने बताए, मे फेस बैन इन इंडिया इफ दे फेल टू कंप्लाई विद द न्यू गाइडलाइन जो आई है सोशल मीडिया की। आपको पता होगा माइटी ने जो है 25 मई तक की जो है डेट दी थी, ये आया था फरवरी में, आया था कि फरवरी से। अब देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो इनको जो है भाई यहाँ पे 3 महीने दिए गए थे कि भाई आपको जो है 3 महीने के अंदर इनको फुलफिल करना है गाइडलाइंस को। क्या क्या गाइडलाइंस थी? गाइडलाइन बहुत सारी थी, आप लिस्ट में देखो तो भाई लिस्ट इतनी बड़ी लिस्ट है कि मुझे भी नहीं पता कितनी बड़ी लिस्ट है। तो कुछ कुछ जो मेन चीज़ है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली लिस्ट में ये लिखा हुआ था कि भाई जितने भी फेक अकाउंट्स वगैरह होंगे या फिर जो भी हमारा ऐसे कुछ शेयर कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है भाई, उनको आपको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। पहला, ये नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। सेकेंड, यहाँ पर ये बोला गया था, अभी मैं कल का केस बताता हूँ, जी का, जी एंटरटेनमेंट, पता है ना आपको, जील, ठीक है, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, ये जो कंपनी है जिसका प्लेटफॉर्म है जी करके, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ZEE। तो वहाँ पे क्या हुआ, राधे पिक्चर जब लॉन्च हुई ना, राधे, आपको अच्छे से पता होगा राधे कौन सी मूवी है, वो मोस्ट वॉन्टेड सलमान भाई की जो मूवी है। यहाँ पे सलमान भाई की जो मूवी पूरी पूरी कॉपी करके भाई बेची जा रही है व्हाट्सएप पे, इधर उधर। तो यहाँ पे जी ने भाई फाइल कंप्लेन कर दी भाई हमारे साथ जो ऐसा हो रहा है। एंड अब इसमें जो है इशू पे पूरा पूरा ध्यान दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ट्रिगर कर रहा है इस पॉइंट को कि भाई यहाँ पे इतनी सारी पायरेसी, फेक न्यूज, ये चीजें जिसकी वजह से यहाँ पे कंप्लेन हो रही है बहुत सारी चीजें। एंड उसको लेके यहाँ पे इंडिया के लॉ स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। एंड भाई बोला गया है व्हाट्सएप से लेके फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम से लेके हर प्लेटफॉर्म को बोला गया भाई तुम्हें अगर यहाँ इंडिया में काम करना है तो भाई हमारी रूल्स फॉलो करो वरना निकल जाओ, सीधे सीधे बोला है यहाँ पे। अब यहाँ पे कई लोगों ने जो कुछ कंपनीज हैं यहाँ पे रूल फॉलो किए हैं, बट जो हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक एक ही है, ठीक है, आप समझते होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप एक ही चीज़ है ना, पता है ना भाई, एक ही बंदे का सब कुछ है। तो अगर चेंजेस इंस्टाग्राम होंगे तो ऑटोमेटिकली सब में हो जाएंगे, नहीं होंगे तो तीनों में नहीं होंगे। इन्होंने साफ बोला भाई हम US के हेडक्वार्टर पर बात करेंगे एंड वहाँ से हम जो है फाइनल फैसला अपना बताएंगे कि हमें चेंज करना है नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं बताता था फरवरी 25 वाला जो कांड हुआ था, देखो द गवर्नमेंट हैड अनाउंस टाइटर रेगुलेशन फॉर सोशल मीडिया फर्म रिक्वायरिंग देम टू रिमूव एनी कंटेंट फ्लैग्ड बाय अथॉरिटीज विद इन 36 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था भाई जब भी कोई कंटेंट के ऊपर रिपोर्ट किया जाएगा तो उसको 36 घंटे में आपको जो निकालना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, अगर आप फेल हो जाते हैं 36 घंटे में तो वही वो क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट आ जाएगा एंड आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन या फिर फाइन लगाया जाएगा, ओके। यहाँ पे देखो अगला भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे एक कुछ और भी दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, एज पर डेटा साइटेड बाय द गवर्नमेंट इंडिया हैज 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स, 44.8 करोड़ यूट्यूब यूजर्स, 41 करोड़ भाई फेसबुक के हैं एंड 21 करोड़ भाई यहाँ पे इंस्टाग्राम के भी क्लाइंट्स हैं और 1.75 करोड़ अकाउंट होल्डर्स आर ऑन जो भी मतलब ये ट्विटर के हैं हमारे, ठीक है।
तो यहाँ पे इन टाइप के भाई पूरा डेटा यहाँ पे दिया गया है एंड सबका बोल रहे हैं भाई यहाँ पे जो है पूरा पूरा निकाल दिया जाएगा अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया। 25 मई इनके पास लास्ट डेट है एंड अगर आज ये फॉलो नहीं करता तो कल से जो है ये लोग बैन हो जाएंगे, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है। बट पर्सनली मुझे अभी तो वो ऐसा नहीं लगता क्योंकि देखो बहुत सारी एप्लीकेशन भाई डेट मांग रही है कि एक आध महीना और रुको, दो महीना और रुको, तीन महीना और रुको, ऐसी डेट टाल रही हैं। बट इस बार इंडियन लॉ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं एंड मुझे नहीं लगता कि भाई इंडियन लॉ कॉम्प्रोमाइज करने वाली है। एट लास्ट जो है भाई इन्हीं लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यूजर्स को ही। देखो भाई टिकटॉक के साथ क्या हुआ इस चीज़ को सब जानते हैं भाई, टिकटॉक लाइकी वाइकी है, चाइनीज़ पूरी है, बैन है एंड ये लोग भी समझते हैं, ये सारी एप्लीकेशन भी समझते हैं कि भाई अगर हमने हल्के में लिया तो हमें भी बैन कर दिया जाएगा, ये सब अच्छे से समझती हैं। तो काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, इतना पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है गाइज, बस इस मोटो मेरा यही है वीडियो बनाने का। एंड अब आई गए हो यहाँ तक सुनी रहे हो तो भाई नीचे पैसा कमाने की एक ऐप दी गई है, ठीक है आप नीचे जैसे भी वो खोलेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट से उसको खोल लेना एंड आपको भाई एक ऐप देगी जहाँ से आपको फ्री मेरी तरफ से 50 रुपये मिल जाएंगे, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, समझ समझना पेड प्रमोशन है या फिर कुछ भी, सीधा 50 रुपये रिडीम करो अपने पेटीएम में एंड फिर अनइंस्टॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ पे प्रूफ के लिए मैं दिखा भी देता हूँ। तो भाई स्क्रीन थोड़ी टेढ़ी लग रही होगी, कर लो टेढ़ी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा बैलेंस यहाँ पे 276 शो रहा है बट मैंने जो है इस ऐप से 21,000 ऑलरेडी पेटीएम में रिडीम कर लिया है। किसी को प्रूफ लेना हो भाई इंस्टाग्राम पे पूछ लेना भाई कि प्रूफ दे दे, अपने पेटीएम के स्क्रीनशॉट सारे भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई पे भरोसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे वीडियो भी दी गई भाई कैसे अर्निंग करनी है, लिखा तो है भाई 1,000 रुपये डेली कमा सकते हैं बट इतना कमा नहीं सकते, आप 300-400 रुपये इससे डेली निकाल सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पे देख लो कितने रुपये छापे, ये आज के हैं सिर्फ 276 रुपये मैंने आज में छापे हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे आप भी जो है छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जैसे टैप करो 50 रुपये फ्री में मिलने वाले, जल्दी से डाउनलोड कर लो। तो ये अगला आर्टिकल मैं पढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देखो क्या है, इट्स बीन रिपोर्टेड दैट सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव आस्क्ड फॉर अ 6 मंथ डेडलाइन। मैंने कहा ना कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन बोलेगा भाई हमें 5-6 महीने का टाइम दो, देखो इन्होंने बोल रखा है भाई 6 मंथ्स हमें डेडलाइन चाहिए, क्यों, सेइंग दे वर अवेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर US हेडक्वार्टर, ठीक है आप सबको पता है ये सारी एप्लीकेशन भाई US के उससे चलती है एंड US के हेडक्वार्टर्स से जो है ये लोग परमिशन लेंगे, वहाँ से कुछ भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि हाँ भाई चेंज करना है नहीं करना है, उसके बाद ही भाई ये लोग जो है भाई यहाँ पे रिजल्ट देंगे अगले 6 महीने के अंदर, इनसे बोला गया। अब मुझे नहीं पता यार, देखो इंडियन गवर्नमेंट अगर सही में स्ट्रिक्ट होगी तो 6 महीने तो इनको बैन ही कर देगी, उसके बाद भाई US के नए रूल्स वगैरह लेकर आएंगे। मैं पर्सनली नहीं चाहता भाई टिकटॉक जैसा हाल हो जाए इनका भी, क्योंकि टिकटॉक भाई तब से कोशिश कर रहा है 1 साल से बेचारा, अभी तक तो वापस आ नहीं पाया है। तो लेट्स सी इनके साथ क्या होता है। मीनवाइल इंडस्ट्री एक्सपर्ट बिलीव दैट सोशल मीडिया जायंट शुड कंप्लाई विद न्यू रूल्स एंड गवर्नमेंट कैन ऑल्सो टेक अ मिड ग्राउंड। ये सबसे बड़ा पॉइंट था, पता है यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे थी भाई एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन मान लो आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह सब कोई भी मान लो, यहाँ पे थी इंडियन गवर्नमेंट और यहाँ पे थे ये कंपनी के ओनर्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो है ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है, ये आप समझ गए, ये इंडियन गवर्नमेंट है, ये सारे ये ऐप है और ये जो हमारे एप्लीकेशन डेवलपर्स वगैरह हो गए। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे जो है सारा कंट्रोल ऑब्वियसली भाई आप कोई ऐप बनाएंगे तो आपके पास रहेगा सारा कंट्रोल, बट यहाँ पे जो है भाई इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हमें भी इसका कंट्रोल चाहिए, क्यों चाहिए, देखो रीज़न बहुत स्पेसिफिक है, ऑब्वियसली किसी के बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए बट अगर वो आपकी प्रजा को या फिर आपके देश को हानि पहुंचा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको भी उसमें घुसना पड़ेगा। इसलिए भाई इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप लोग जो है फेक न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा प्रमोट हो जाता है इन पे एंड ऐसे पायरेसी वायरेसी बहुत सारे क्राइम्स भी कमिट होते हैं, तो भाई हमें जो है यहाँ पे चाहिए ये चीज़ें सारी डिटेल चाहिए। तो इसलिए भाई यहाँ पे ये लोग भाई डर गए हैं कि अगर इन्होंने इनको कंट्रोल दे दिया तो कहीं कुछ आगे, देखो मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ ना किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ये चीज़ समझना, मेरा ये मुद्दा जो भी मैं अभी बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो कोई भी कमेंट करने से पहले सोच लेना 10 बार कहीं आप ही बैन ना हो, जस्ट जोकिंग। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो इंडियन गवर्नमेंट बोल रहा है भाई हमें भी थोड़ा एक्सेस चाहिए, एटलीस्ट हम ये तो देख पाएं कि भाई फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, कुछ हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ देख तो पाएं। यहाँ पे जो भाई अभी ट्विटर का एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है मान लो ट्विटर एप्लीकेशन, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के रिलेटेड काफ़ी कुछ लिखा गया था, बहुत चीज़ें बोली जाती हैं एंड गवर्नमेंट सीधा यहाँ पे जो है बोल देती है भाई इसको हटा वरना वाट लगावली, तो यहाँ पे सीधे यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है, ट्विटर निकाल भी देता है, ऐसी बात नहीं है ट्विटर यहाँ पे हमेशा करता है, बट जो मेन कंट्रोल्स इनको चाहिए या फिर जो मेन ये काम चाहता है वो यहाँ पे जो है फिलहाल कोई भी एप्लीकेशन रेडी नहीं है करने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पॉलिटिक्स का पार्ट है बट मैं घुसना नहीं चाह रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर से बताऊँगा। एक और चीज़ होती है जो इनको पैसा दे के यहाँ पे जो है चीज़ें करवा देते हैं, ठीक है अब ये समझ सकते हो ये छोटी सी इनसे तो समझ जाओ, इसलिए भाई इंडियन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो रही है कि भाई इनको पकड़ना है, इनको एग्जैक्टली इनको पकड़ना है, ठीक है।
तो बस अब मैं ऐसे ज़्यादा कुछ भी डिटेल में बोलूँगा, क्योंकि अगर मैंने बोला तो मे बी पॉसिबल कि मेरे ऊपर ही कुछ एक्शन हो जाए, लीगल एक्शन, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज सो सॉरी अगर मेरी तरफ से किसी को कुछ भी बुरा लगाओ, बस इतने सर जो भी डिटेल थी मैंने पूरी की पूरी डिस्कस कर दी है। आगे क्या होता है, बैन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके साथ पूरा लाइव रहूँगा मैं, आपको टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। कल भी मैं वीडियो बनाऊंगा, परसों भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ, जो भी मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी, ठीक है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, करो भाई, मेरे को नहीं सुनना भाई, सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। चलो रोकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, योर होस्ट संदोष स्वर्ण और विशाल सुशील, वेलकम बैक टुडे, टाटा।